एबी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का तो प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम में आप देखिए क्वेश्चन क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन। मीडियन का मतलब यह है जो लाइन सामने वाला एंगल बाइसेक्ट करता है, साथ में लाइन को भी बाइसेक्ट करता है, तो ए डी इज द मीडियन ऑफ बी सी लाइन। सेम थिंग सी एफ इज द मीडियन ऑफ ए बी लाइन। इन द सेम टाइम ए सी का मीडियन लाइन है बी ई, तो ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। तो आपको क्या क्या फॉर्मूला यूज करना होगा पहले देख लीजिए। फर्स्ट फॉर्मूला क्या क्या, मिड पॉइंट फॉर्मूला करना होगा। मिड पॉइंट थ्योरम के हिसाब से मिड पॉइंट आपको ये बोलता है कि इक्वल टू एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू, ए जब जब है इक्वल टू एक्स टू प्लस एक्स थ्री बाई टू, ऐसा ही एक्स थ्री प्लस एक्स वन बाई टू। सेम मिड पॉइंट में y1 प्लस y2 बाई टू इक्वल टू y2 प्लस y3 बाई टू, इट इज वाइटल पॉइंट इक्वल टू y3 प्लस y1 बाई टू। याद रखिएगा मैंने 1 के बाद 2 लिखा, फिर 2 के बाद 3, 3 के बाद फिर 3 लेके 1 किए, ऐसा ही चलते रहना चाहिए। तो आपको ये चीज़ पहले d निकालना होगा। तो मैंने पहले बोल रहा dx इक्वल टू क्या होगा, dx इक्वल टू आपका bx प्लस cx बाई टू। तो आपने पहले यहाँ पर लिख लीजिए दैट इज ax इक्वल टू 7 एंड ay इक्वल टू -3। आप इसको x1 भी बोल सकते हैं, इट को कैन से x1, ठीक है x1 लिखिए, x2 y1 लिखिए, ये भी अच्छा है x1 y1 x2 y2 क्या होगा 5 एंड y2 इक्वल टू कितना हो गया 3, y2 3 एंड x3 इक्वल टू कितना हो गया आपका 3, दिस इज 3, y3 इक्वल टू -1। तो आप अपने आप सेट कर लिए bx का जगह में, तो हम क्या लिख सकते हैं, bx का मतलब क्या हो गया bx मतलब x2 प्लस x3 बाई टू। तो x2 आपका कितना हो गया, x2 इज 5, यू राइट हियर 5 प्लस x3 कितना हो गया 3 बाई टू, दैट मीन्स dx इज इक्वल टू 4। तो dx इज इक्वल टू 4 आप यहाँ पर दाग लीजिए, पहले x होता आप 4 लिखिए। हाउ यू हैव कैलकुलेट आई हैव फर्निश्ड हियर, प्लीज लुक एट द बोर्ड अगेन लाइक दिस, आई हैव टू कैलकुलेट द dy simply you write dy equal to by, that means y2 plus y3 by 2. The y2 kitna ho gaya, y2 is equal to 3. Now you write 3 plus this is -1 by 2, that means 2 by 2 equal to 1. You write here 4 into 1. Clear? Now, like this, I have calculated the D. So, now I calculate the AD. AD is the median. AD jab nikalenge. AD jab nikalenge. Distance formula. Use distance formula. So, distance formula kya bolta hai? x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो यहाँ देखिए, यहाँ आपका क्या है, x2 का जगह में आप AD मतलब है DA पहले लिखिएगा, यहाँ लिख दीजिएगा हियर डिस्टेंस में dx माइनस ax होल स्क्वायर प्लस dy माइनस ay होल स्क्वायर। जस्ट टू क्या हो गया डिस्टेंस, इसमें किसके लिए बना रहे हैं, AD के लिए तो आपना पुट कर दिया, therefore AD इक्वल टू क्या हो जाएगा, AD इक्वल टू dx।
dx कितना आपका मिला 4, यू राइट 4, ax कितना है a 7, 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर एंड प्लस dy कितना मिला है 1, राइट यार 1 एंड ay कितना है माइनस 3, दैट इज माइनस 3, अगेन माइनस 3, सो यू इट इज बेटर यू मार्क यार सेकेंड ब्रैकेट, तो ऑटोमेटिकली इट इज स्क्वायर. नाउ यू सी हाउ मच इज कमिंग, दैट इज माइनस 3 का स्क्वायर होगा एंड दिस इज प्लस 5 का 4 का स्क्वायर होगा. क्लियर हो गया? तो हम जानते हैं 3 स्क्वायर इक्वल टू 9 प्लस 16 अंडर रूट, दैट मीन्स 25 इक्वल टू 5. सो AD का कितना डिस्टेंस हुआ, AD इक्वल टू 5 यूनिट, AD इक्वल टू 5 यूनिट. सो प्यारे बच्चों, यदि आपको ये चीज़ अच्छा लगा तो अपने दोस्त लोगों में शेयर कीजिए, आपने भी लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. मैं जो भी चीज़ अपलोड करेंगे तुरंत आपको इन्फॉर्म मिलेगा. तो आप इस ढंग से अभी निकाल लीजिए, जैसे मैं निकाल दिया ऐसे ही आप निकाल लीजिए ये चीज़. हम सिर्फ हल्का हल्का लिख के चले जा रहे हैं, आपको निकालना है, दैट इज़ क्या निकालना है, बी. तो बी क्या लिखिएगा, बी इक्वल टू क्या लिखिए, देखिए ए सी ए का ए एक्स प्लस सी एक्स बाई टू, ए एक्स प्लस सी एक्स बाई टू. इसका मतलब क्या है, ए एक्स कितना है 7 और सी कितना है प्लस 3 बाई टू, तो ऑटोमेटिक 5 आ गया. बी ए वाला क्या एक्स के लिए आ गया, इट इज़ 5. तो आप बाद में क्या आप निकाल लीजिए 5 एंड बी ए वाला बी ई के लिए, ई पॉइंट के लिए ई एक्स एला ई एक्स एंड ई वाई के लिए क्या होगा, ई वाई के लिए देखिए माइनस 3, इट इज़ माइनस 3 एंड दिस इज माइनस 1, माइनस 1 बाई 2 दैट मीन्स माइनस 2. तो आपका यह हो गया 5 माइनस 2 लाइक दिस. इसके बाद आराम से आप कैसे करके हम ए डी निकाले, ऐसे बी निकाल लीजिएगा, ऐसा करके आप एफ पॉइंट भी निकाल लीजिए, एफ पॉइंट ऐसा बगैर कैलकुलेशन में कर लेते हैं. 5 प्लस 7 कितना हो गया 12, 12 बाई 2 इज इक्वल टू 6. देखिए मुँह जवानी हो रहा, एफ 3 एंड यहाँ 3 द 0, दैट इज इट इज 0. क्लियर हो गया? तो ऐसा ही आप निकाल लीजिएगा डिस्टेंस फॉर्मूला में. थैंक यू वेरी मच.